जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमाल जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। आजमगढ़ के इलाके में यूपी का रहने वाला एक नौजवान ने बिहार जाकर एक रिवॉल्वर खरीदा। अब रिवॉल्वर इसलिए खरीदा कि इसके चंद लोग दुश्मन हो गए थे और वो दुश्मनी की वजह ये है, इन्होंने एक लड़की से आशिकी की थी, इसी की वजह से इनसे झगड़ा हुआ था। तो ये अपनी हिफाजत के लिए रिवॉल्वर खरीद लिए। रिवॉल्वर खरीद कर अब इनके दुश्मनों से अगर झगड़ा हो जाए तो उन्हें मारना चाह रहे थे या डराना चाह रहे थे पता नहीं। आखिरकार जैसे ही ये पता पुलिस को चला, पुलिस ने पकड़कर इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन की और वो इन्वेस्टिगेशन भी इतने अच्छे अंदाज में की है। एक एसपी ने कॉमेडी करते हुए बहुत ही अच्छे अंदाज में ये इन्वेस्टिगेशन किया है। आइए देखते हैं तमाम तफसीलात। टॉमी बहुत चला हुआ है। टॉमी टॉमी को लगा इसका नाम टॉमी। नाम क्या आपका? विशाल सिंह। विशाल सिंह हो गया यार, चल उसको भरना आता है। ये कहाँ से खरीदे? बिहार से। बिहार में कहाँ से? क्यूल से। कहाँ के रहने वाले हो? तुम भी बिहारी लगते हो। आजमगढ़ से हो, यूपी से। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? झगड़ा हो गया था ना, मेरे को क्या मार वार दिए थे। तो तुम सोचे हो गए इसको लाके ठोक दूंगा मैं? नहीं, डराने के लिए। डराने के लिए? डराने के लिए है ये हथियार? डराने के लिए। कितने में मिला? 50,000 में मिला। तो 50,000 तुमने लगा दिया केवल डराने के लिए, मतलब वहाँ दबाव बनाने के लिए, लोगों में डर रहेगा। तो इसको जब खरीद के लाए तो इसको लेके घूमे भी क्या कहीं? तो घूमे तो डर कैसे आएगा फिर? को देखने गया था सर्वे की, उनको मार जो मारा था मेरे को। हाँ। तो लड़का यहाँ नहीं था, वो चल गया करके। फिर सामान को क्या बोलते हैं, फिर मैं रखा। सामान को कहाँ रखे? अपने पास रखा था सर। अपने पाप में? कहाँ पे? घर में ना। घर में? घर में कहाँ रखे थे? ये रूम में, तालपुरी में। परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं सर, पापा है वो अंदर है। पापा भी अंदर। बाहर कौन है? बाहर बहन है और छोटी बहन है, छोटा भाई। छोटी बहन और छोटा भाई बाहर है। चलो तुम भी अंदर हो जाओगे, बराबर हो जाएगा, दो बाहर दो अंदर। पिताजी कौन थे जेल में? चलो अच्छा है, साथ रहेंगे। बेटे और पिताजी का मेल हो गया। कब से बिछड़े हुए हैं? कब से जेल में है वो? हाँ, 12 साल। 12 साल से? किस अपराध में? 302 वो भी यहाँ इस्तेमाल किया होंगे 50,000। उससे कुछ सीखे नहीं कि 12 साल से जेल में है? डर नहीं हुआ कि इसका इस्तेमाल करोगे तो खुद भी 12 साल 14 साल अंदर हो गए? गलती तो ये खरीदे तो इसको चलाना कोई सिखाया? हाँ, कहाँ थे सीखे? ये लड़का आया था जो, हाँ वो तो ऐसा है ना कि डेमो भी दे के गया, मतलब हथियार भी दिया और सिखा भी दिया। तो ये होम डिलीवरी हुआ है कि वहाँ जाके लाए हो? सर, तो वहीं पे ट्रेनिंग हुई थी? यहाँ आके ट्रेनिंग दिया? वहीं चलाया था मैं। कितने राउंड चलाए? एक ही राउंड चलाए। कहाँ, कैसे चलाए? ऊपर या सीधा? ऊपर चलाए। और भरना सीखे नहीं सीखे? बोली भर के दिखाओ जरा। अरे सीखा हुआ आदमी है। और तो यार एक दिन में सीख गया, तेज आदमी हो। एक ही बार बताया। तो पुलिस पकड़ी कैसे तुम्हें? पुलिस पकड़ कैसे ली? अच्छा है सर, उल्टा ही सीखा ये, उल्टा लगा। उल्टा सीधा जैसा भी मारेगा कहीं तो जाके। हाँ, चार पांच लोग को दिखाए। किसको दिखाए? पुरी में रहने वाले लोगों को, ये लोग बता दिए। तो तुम जाके धमकी दोगे लोगों को, अपना दिखाओगे तो पकड़े ही जाओगे ना? वो तो सही समय लगते, पुलिस ने पकड़ लिया, नहीं तो निपटा दिए होते कुछ लोगों को तुम।
कोई डर नहीं है तुम्हारे जैसे लोगों को। पहले भी जेल गए हो क्या? चार साल काट के आए हो, किस अपराध में? लड़ाई का केस था, दारू का केस था और चोरी का था। अरे एक साथ तीन तीन मामले कर डाले लड़की। क्या क्या मामला है? लड़की का नहीं है, चोरी का मामला, लड़ाई झगड़े का मामला और दारू का। दारू बेचते हो मतलब? बेचता था। बेचते थे, सुधर गए हो क्या? उस टाइम क्या करते थे, कहाँ से बेचते थे? हाँ, ब्लैक में। अभी क्या काम कर रहे थे फिलहाल? अभी कुछ काम नहीं कर रहे। तो घर कैसे चल रहा था? दुकान है सर, पावर हाउस में, मनिहारी दुकान। ओहो, किसी का दुकान है? मनिहारी दुकान। क्या बेचते हो उसमें? मनिहारी में चूड़ी, बिंदी, टिकली, सिंदूर, इस टाइप। अभी बंद है सर, अभी किराए में। किराए में दे दियो। कितना किराया मिलता है? 2000 रुपये। 2000 घर चल जाता है तुम्हारा? बहन है वो भी जॉब करती है, मेरा भाई वो भी जॉब। क्या जॉब करते हैं? कार शोरूम। कार शोरूम है अपना? शोरूम में काम करते हो? कहाँ पे? बहन करती है, मेरा भाई साइकिल स्टैंड में काम करता है। साइकिल स्टैंड में काम करते हो? तो अपराध की दुनिया में तुम ही हो और पिताजी हैं। चोरी केस भी गया था ना सर, थोड़ा पहले झगड़ा हो गया था ना। क्या चीज चोरी किए थे जेल गए थे? सर सोना। सोना? तुम भी अमलेश्वर वाली घटना कर देते अभी। सही समय पुलिस ने पकड़ लिया। कितना सोना चोरी किए थे उस टाइम? 1.5-2 लाख तो ज्यादा है ही नहीं, थोड़ा मतलब 1.5-2 लाख थोड़ा चोरी है, तो ज्यादा चोरी कितना है? पूरा तुम क्या दुकान लूट लोगे मेरा? ये बहुत ही बदमाश टाइप का आदमी है। 1.5-2 लाख की चोरी को कुछ बोली? कब किए थे चोरी ये? 4 साल तुम जेल में रहे हो, 4 साल पहले चोरी किए, छूटे कब हो तुम? 2022 में। 18 में चोरी किए होगे? कहाँ चोरी किए थे? छावनी थाना के एरिया में आता है, सुपेला एरिया आता है और जामुन एरिया में आता है। अरे भैया एक दुकान तो एक ही एरिया में होगा ना, कोई फैला हुआ है क्या 500-600 मीटर में? अलग अलग जगह में किया था ना। ओहो, अलग अलग जगह चोरी किए थे। कितनी चोरियां किए थे? मालूम ही नहीं है, इतनी चोरियां कर डाले तुम। अरे भाई घरों में चोरी किया था ना? नहीं नहीं, दुकानों में। घर में चोरी किए, 3-4 घरों में चोरी किए थे। पकड़े कैसे गए थे उस टाइम? साथ में लोग थे तो और भी थे तो साथ में मिलके चोरी किए थे। वो लोग उनके कारण तुम पकड़ा गए, तो पकड़ाते ही नहीं। वो लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारे साथीदार हैं? भाई छुड़ाने वाले कोई नहीं थे, तो निकलने के बाद तो कुछ अच्छा काम, निकलने के बाद तो ऐसे ऐसे काम कर रहे थे भाई तुम। कोई लड़ाई झगड़े के लिए ऐसा बंदूक नहीं खरीदता, बड़े कांड के लिए। ये अब बैंक लूटता बता रहा हूँ मैं, अब डकैती वकैती करता है ये। क्या करना चाहिए ठीक है बताओ? भाई सर झगड़ा हो गया था करके, उसी के लिए क्या आया था कि अपने पास रखूंगा, कोई भी आएगा दुश्मनी था सर मेरा जेल से। किससे दुश्मनी है? जेल में किससे दुश्मनी हो गया? अरे सर मतलब लड़की का चक्कर था। लड़की का चक्कर? ये कब से हुआ भाई? तो तुम 4 साल जेल रहे, तो लड़की का क्या हुआ? पहले बाहर से तो चक्कर चलाए और फिर जेल में क्या किए? जाने से पहले झगड़ा उगड़ा हो गया था, मार दिए। तो उस लड़की को पाने के लिए तुम्हें बंदूक की आवश्यकता पड़ गई? पटाने के लिए नहीं, तो चलाने के लिए। झगड़ा उगड़ा हो जाएगा करके मतलब वो तुम्हारे चलो पूछ ही लेते जो परेशान हो रहे हो। इधर आओ बेटा। विकास ठाकुर और गोलू क्या हुआ? ये विकास ठाकुर कौन है? विकास ठाकुर? हाँ सर मैं तो नाम पहली बार सुन रहा हूँ। गोलू मेरा दोस्त है। दोस्त है तुम्हारा गोलू? तो गोलू क्या गोल गोल काम करता है? जेल में ही मिला था। जेल में ही मिला था, जेल की दोस्ती है। हाँ बाहर नहीं जानते हो? वो दोनों गांजा का काम करते हैं, तुम इसका काम करते हो? काम नहीं करता सर, पहली बार लेके आया सर। इससे पहले मेरा कोई केस नहीं।
क्या जी? नहीं नहीं, उन दोनों में जल्दी कार्रवाई होगी। हाँ हाँ, रुक जाओ। उन दोनों क्या हुआ है? गोलूर का जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरापी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।